सामाजिक संस्था इनरविल क्लब की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन श्रीमती बीना शाह बुधवार को आधिकारिक यात्रा पर शहर पहुंची। यहां क्लब सदस्यों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। श्रीमती शाह ने क्लब की शहर से संचालित सेवा गतिविधियों का जायजा लेने के साथ ही कस्तावत रोड पर संचालित हो रहे एकलव्य विद्यालय में क्लब द्वारा भेंट किए गए वाटर कूलर का लोकार्पण भी किया, जिससे आवासीय बालिका छात्रावास की बालिकाओं को शुद्ध पेयजल मिल सकेगा। क्लब अध्यक्ष ममता भंडारी ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन शहर में क्लब द्वारा की जा रही सेवा गतिविधियों से संतुष्ट नजर आई। उन्होंने क्लब सदस्यों की सराहना की। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। जो एसोसिएशन में इवेंट्स हो रहे हैं, ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है इन द सेंटिनरी। सो कंग्रेट्स टू ऑल ऑफ यू डिस्ट्रिक्ट 30। जब ये इवेंट में मांग के लाई थी, मुझे शायद सपना नहीं था कि ये इतना बड़ा होने वाला है। मुझे तो केवल एक मेरे सीनियर ने बोला कि बिना एक इवेंट मांग लेना, सेंटिनरी का साल है, 100वां साल है, अभी तक हमने कोई ऐसा इवेंट एसोसिएशन में किया नहीं है। तो मैंने मांगा, फिर हमारे यहाँ ही शायद किसी को ये नहीं था कि ये मिलने वाला है मुझे, जबकि हमारे एसोसिएशन प्रेसिडेंट ने ये प्रॉमिस कर लिया था कि ठीक है, ये आपको देंगे। पर जब मैंने मांगा तो मैंने वेजोन मीट, जो जनरली होती है, हम इसमें हैं तो हम वेजोन मीट करते हैं जो सारे डिस्ट्रिक्ट के साथ होती है, और पहली बार ऐसा एसोसिएशन इवेंट डिस्ट्रिक्ट 304 कर रहा था, तो मुझे लगा कि सात डिस्ट्रिक्ट का है, विल मैनेज। धीरे 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 पता चलता गया, इट इज नॉट 7, इट इज 14 डिस्ट्रिक्ट्स आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इट, और करीब 650 रजिस्ट्रेशन जब ओपन कर रहे तो 650 लोगों को इंदौर देखना था। क्यों? क्योंकि सबसे साफ सिटी, सातवीं बार वो होने से साथ साथ हमारे पास महादेव जी का दो दो स्थान है, ओंकारेश्वर और उज्जैन, ये दोनों ज्योतिर्लिंग के सबके दर्शन करने थे, और शायद इसी कारण ये इतना बड़ा फिगर आ गया है। ये हमारा इनरविल क्लब एक इंटरनेशनल क्लब है। इस क्लब में हम सोशल वर्क करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, तो उस कार्य को हमारे पूरे, हमको पूरी एक थीम मिलती है। एक वर्ष में हमारी मंडल से हमको एक थीम दी जाती है, उस थीम के अंतर्गत हमें कार्य करना रहता है। तो उसी हमारे कार्य के विजिट पे हमारी मंडला अधिकारी हर क्लब के विजिट के लिए जाती है। तो हमारे खरगोन क्लब के लिए हमारी मंडला अध्यक्ष श्रीमती बीना शाह जी पधारी थी, आज उन्होंने हमारे क्लब के अधिकारी विजिट की, इसीलिए यह वाला हमारा प्रोग्राम रखा गया है। और हमारा इनरविल क्लब हमेशा सामाजिक कार्य करता रहता है, उसी के तहत हम आज एकत्रित हुए। आपके मंडल अधिकारी के सामने आपने आपके द्वारा किए गए पिछले वर्ष के कार्य का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है। हाँ जी, संतुष्ट नजर आ रहा है। हमारी जो इस वर्ष का जो कार्यकाल था, एक्चुअली हमारा 6-12 महीने का पूरा रहता जून तक, पर हमारी मंडलाध्यक्ष थोड़े जल्दी आ गई अधिकारी, ताकि फिर भी हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हुए उनने उनकी बहुत सराहना करी और बहुत ज़्यादा तारीफ करी, और हम भी यही चाहते हैं कि हम उनके निर्देशों के अनुसार ही उनकी बातों पर हम सही कार्य कर सके। आज कौन सी एक्टिविटी करने जा रहे हैं आप? आज हम अपने यहाँ से बेनगांव में एक आदिवासी एकल छात्रावास है, वहाँ पर जो कन्याओं को पानी की बहुत दिक्कत आ रही थी, तो हम वहाँ पर एक वाटर कूलर लगा रहे हैं। हमारे ये सबसे बड़ा स्थायी प्रोजेक्ट रहेगा और इसी का लोकार्पण महिला अध्यक्ष हमारी जो बीना शाह जी कर रही है। मैं ममता भंडारी, इनरविल क्लब खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।